नमस्कार, इस समय हम लोग निकल रहे हैं सिटी पैलेस के लिए। एक अनुभव मैं अपना शेयर करना चाहूँगा। 800 मीटर की दूरी पर है, बगल में ही है, और मुझे एक बाहरी टूरिस्ट समझते हुए मुझसे इस दूरी 800 मीटर की दूरी के लिए 50 रुपये मांगे। आप ये समझें कि जब विदेश से टूरिस्ट आते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं, तो उनके साथ ये जो व्यवहार होता है वही जो है बाहर भारत की इमेज खराब करता है। शहर पूरा गुलाबी दिख रहा है। जब जयपुर का निर्माण किया गया था तो जहाँ हम खड़े हैं ये यहाँ का सेंट्रल है, यानी सेंट्रल हिस्सा था। कुल मिला के इसके 9 हिस्से, और 9 हिस्से 9 ग्रहों के आधार पर बनाए गए थे। सेंट्रल हिस्से में राजा का निवास और 2 मार्केट, यानी एक हिस्से में निवास मार्केट, दूसरे हिस्से में भी मार्केट, और बाकी के जो 7 हिस्से थे वो चौकोर आकृति में हैं, और वहाँ पे लोगों को बसाया गया, और उसके बाहर परकोटा था। अब बिल्डिंगें देखिए, सारी पिंक कलर की बिल्डिंगें, नीचे दुकानें हैं, ये तो उस समय नहीं हुआ करती थी, अब जाके हुई है। सिटी पैलेस हम जहाँ चल रहे हैं वो भी जो है उसी महल का हिस्सा है जहाँ राज परिवार निवास किया करता था। देखिए, सिटी पैलेस से पहले जब बेजुबान उठते हैं तो जो जुबान वाले हैं उनको चुप हो जाना चाहिए, तभी आप उनकी सुंदरता का एहसास कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये गेट दिखा रहा था। देखिए, ब्लू कलर है, नक्काशी है, स्टाइल तो आप जान ही रहे हैं, राजस्थानी स्टाइल है। ये लोहे का बना हुआ दरवाज़ा, ये बेसिकली हाथी, उस समय जो है हाथियों के जरिए दरवाजे तोड़े जाते। ये सोचिए हम राज परिसर में हैं, कल्पना करिए कि 18वीं सदी के हम राज परिसर के अंदर हैं, और उस समय का माहौल इमेजिन करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो है किस तरीके का माहौल हुआ करता होगा। यहाँ पे पहरेदार खड़े होंगे, सैनिक खड़े होंगे। सामने का दूसरा दरवाज़ा देखिए, वो भी सेम उसी स्टाइल में और उसी तरह की नक्काशी। पीछे अगर आप देख रहे हो तो आमेर का किला। सर जी, मैं ले रहा हूँ ये पैसे। अब कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, राजस्थानी कचौड़ी पकौड़े, और बैंगन का पकौड़ा है तो आपको नॉर्थ साइड का ही, लेकिन इसमें मसाले जो है ना वो आपको राजस्थान के मिलेंगे। तीखी मिर्च यहाँ की खास। आप यहीं बेचते रहते हो? 50 रुपये की है। फिलहाल एंट्री, ये उस समय की तोप देखिए। फिलहाल सिटी पे इसका एंट्री गेट है। देखिए, ये है सिटी पैलेस, राजनिवास। अब ये दीवारें हैं, और एक चीज़ बता दूं, 1729 के आसपास इसका निर्माण हुआ, और उस दौरान विद्याधर और सर सैमुअल, इन दो लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया था, और इसमें जो है यूरोपियन, मुगल और राजपूत तीनों आर्किटेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, तीनों वास्तुकला का इस्तेमाल हुआ है। माधव सिंह जब विदेश यात्रा पे गए तो इस कलश का निर्माण करवाया, और इसमें वो गंगा जल भर कर लेके गए थे अपने इस्तेमाल के लिए। एक यहाँ पे है, एक उधर आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा है गंगा जल। इधर से शुरू करते हैं, इधर से एंट्री लेते हैं, देखते हैं इधर क्या है। सभा निवास लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ सभा निवास में क्या है। उस समय का एक चित्र देखिए,
ये अंदर का चित्र है जो बाहर अभी हमने, अभी हम जहाँ थे जब दरबार लगा करता था, देखिए किस तरीके से लगा करता, मंत्री और सारे लोग बैठे हुए। सिक्स पॉइंट हैं इस महल के, जिसमें से एक आपको दिखाया, अंदर शूटिंग की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पे बेसिकली राज दरबार लगा करता था। ये आर्ट देखिए, संगमरमर पर। एक चीज़ जो मैंने अंदर महसूस की वो थी कि 1700 में आप, क्योंकि यहाँ के मुग़लों के करीब थे, फिर कई मेडल मिले वे जो है अंग्रेज़ों के करीब थे, लॉर्ड माउंटेन बेटन के साथ फोटोज हैं कई, पोलो खेल रहे हैं, और उसके बाद जो है जो तीसरी चुनौती की, फिर 1970 में स्पेन का एम्बेसडर भी बना दिया गया। क्या पॉलिटिक्स है समझ में नहीं आई, मुग़ल के साथ भी रूल किया, ब्रिटिश के साथ भी रूल किया, और जब इंडियन गवर्नमेंट बनी तो वहाँ भी आपका दबदबा। यहाँ पे टेक्सटाइल है, राजस्थानी टेक्सटाइल, जिनके बारे में काफ़ी कुछ है। इस सिटी पैलेस का एक व्यू देखिए, इधर शस्त्रागार है, पीतल का दरवाज़ा। अगर फारसी के शब्दों में कहें या मुग़लों के शब्दों में कहें तो दीवाने आम ये है, और दीवाने ख़ास जो अंदर का अभी मैंने आपको सीन दिखाया है वो है, यानी वहाँ पे बैठकें हुआ करती थी, राजा ख़ास लोगों से मिला करते थे, और यहाँ पे राजा आम लोगों से मिला करते थे। एंट्री फीस है 300 रुपये, शूटिंग अलाउड नहीं है। जो चार मेन इनके जगह हैं, एक ये इनका सभागार था जहाँ पे शूटिंग थोड़ा सा अलाउड थी, लेकिन बाकी जो तीन जगह हैं जिसमें कि शस्त्रागार है, पेंटिंग्स हैं, कपड़े हैं, तो शस्त्र में ऐसा कुछ है नहीं जिसके बारे में कहा जाए कि कुछ नया है, जो कि हम इंडियंस देखते रहते हैं वही स्टाइल्स, वही तलवार, वही ढाल, वही तोप, तोप एक बार थी छोटी तोप आपको दिखाई मैंने, और राजस्थानी कपड़े। आज भी हम राजस्थानी कल्चर के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो तीसरी चीज़ थी पेंटिंग्स, पेंटिंग्स में जो है एक चीज़ जो मुझे नहीं पता चली हो, ये है कि जयपुर शैली जो है, क्योंकि जयपुर के आसपास के जो राजघराने थे, रजवाड़े थे, उनके ऊपर आधिपत्य था और उनसे संबंध भी थे, तो उन वजहों की वजह से एक जयपुर शैली जो है उन जगहों पर भी दिखी है। और जयपुर शैली आई किससे सामने, तो अगर उसके बारे में देखेंगे तो जयपुर शैली बेसिकली मुग़ल, हिंदू और यूरोपियन शैली का मिक्सचर है, जिसको हम जयपुर शैली कहते हैं, जिसको हम जयपुर आर्किटेक्ट कहेंगे। आप जैसे बढ़ेंगे मानगढ़ साइड में या उस साइड में तो आपको शैली का नज़ारा दिखेगा। फिलहाल सिटी पैलेस से इतना ही, चलते हैं अगली जगह की ओर।